ये चेक करके मैं दिल तेरे कदमों से रखे। फिर वो कभी फिजान भाई ने कह रहा है कोई खास चीज दिखाते हैं यहाँ पे क्या जनाब। इधर यहाँ पे स्टिकर स्टॉक है जो पुराने जमाने के लोगों ने यहाँ पे लिखाई डिजाइनिंग जो आते ना चाइना से उनको पता ही नहीं है। उनको पता भी नहीं है इसके बारे में, इसलिए जंगला लगाए आगे नहीं जा सकते। पैराग्लाइडिंग वाले यार अभी सीख रहे हैं लोग, अभी सीख रहे हैं। वाओ ये देखो जनाब, कहते नहीं ये लोकल से पैसे नहीं देते। भी आ गया मैं फिर मुशर्रफ के पास ना। ऊपर ये अखरोट का तेल है, बड़ी चीज़ें इसमें डाली हैं। मैंने कश्मीरी चाय ऑर्डर की है तो ये पी के हम जो है चाय शाय पी के निकलेंगे। अंकल से मैंने ये काफ़ी चीज़ें परचेज की हैं। क्या क्या किया जी? ये जैम लिए हैं, ये चेरी जैम है, एप्रिकॉट है। आपके भाई ने यहाँ पे इस टाइम -7 है और जैकेट उतार के आदम पकड़ी हुई है। क्या आवाज है। गुड मॉर्निंग जी, मेरे पीछे देखिए खूबसूरत व्यू। फिर से इसी होटल में मैंने स्टे किया दोबारा और आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि बाइक जो है फिर लेके मैं जाऊँ लक्सर सुंजा, वहाँ पे जाके कोई चाय शाय पिए, कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई करें। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए, आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि कल काफ़ी थकावट हो गई थी, बहुत दूर का सफ़र किया था ना बाइक पे। तो अभी निकलता हूँ, आंटी से नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर बाइक का पता करता हूँ और आगे निकलता हूँ। ये जी एक आगे चेक करें बंदे का ठंड से बचने के लिए, इसके साथ दस्ताने लगाए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इंटेलिजेंट पाकिस्तान आपने आगे निकलना था दोबारा, आप आगे निकल जाएंगे। अच्छा वापसी की तरफ जाएंगे, मैं भी जाऊंगा चाहे पूछ लूँ अगर ये बाइक देखता तो अच्छी बात है। चेक करें ये भी किसी ने बनाई हुई है चौकिया, चेक करें। आज एक मिनट साथ ही आ जाए, ये भी किसी में बाइक अभी रेंट पे लेता हूँ यहाँ से, फिर आगे निकलते हैं देखते हैं क्या सीन है। जी क्या नाम है आपका जी? सुल्तान। ये सुल्तान अहमद भाई से हम जो है वही बाइक लेंगे, फोन पे फोन चले कोई भी देंगे, ये हमें हेल्प आउट कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करेंगे सर। अच्छा जी, ये जी यहाँ पे ये ट्रैवल वाले हैं, हनीमून पैकेज भी दे रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा आपकी टूर कंपनी है मेनली? जी सर। अच्छा 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 सही। अच्छा जी बाहर निकल के देखा है ये लोग जो है यहाँ पे जनाब पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं, गर्म मौसम पे डिपेंड करते हैं करवाते हैं। इनकी शोभा भी बंद है, ये थोड़ा बिजी है, बाद में देखते हैं फिर। चले ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। भी आ गया मैं फिर मुशर्रफ के पास नाश्ता करने के लिए। क्या हाल है? आज स्पेशल खाएंगे कुछ, क्या उसका नाम है? गियालिंग। बस बना लो वो, उसके अंदर क्या क्या डलता है? शहद और बादाम का तेल, अखरोट का तेल। अच्छा वैसा नाश्ता यूँ पराठे की तरह होती है, ब्रेड की तरह होती है? ये रहा किधर? सेकंड वाला नहीं, ये तो मैंने खाया, ये वाला ये तो पहन के गया ना, दूसरा एक था वो मेन्यू लेके आओ, बताता हूँ मैं, कल देख रहा था मैं। ये जी यहाँ यही बस सबसे खाना है इनका, ऑर्गेनिक फूड सबसे अच्छा ही बनाते हैं, तो इनसे ही खाएंगे फिर आगे निकलते हैं। अच्छा जी मेरा नाश्ता आ गया, ये लेके आए दरम पिट्टी जी, ये देखें ये होती है, ये कुछ सोन वाटा है कुछ चीज़ लग रही है, कहने कि दो चम्मच ला लेते फुल हो जाने, बहुत हैवी है बाकी ये। इसके अंदर पिस्ता बादाम काजू ये खोपड़ा पता नहीं क्या, इसके अंदर लवाजमत है, ऊपर ये अखरोट का तेल है, बड़ी चीज़ें इसमें डाली हैं, खा के बताता हूँ कैसा है। बहुत ज़्यादा प्योर नेचुरल चीज़ें इसके अंदर, मुँह में टेस्ट आ रहा है हर चीज़ का, अखरोट का बादाम का गिरियों का ओपरे का एप्रिकॉट का भी शायद डाली है इन्होंने, ज़बरदस्त है।
कहते हैं साइड आइटम यूज़ होती है, मेन आइटम मेन कोर्स नहीं है ये। अभी अंडा पराठा भी मंगाना देखो। अच्छा जी, अंकल के पास मैं आया हूँ यहाँ पे। अंकल जी आपकी एज कितनी है बता रहे थे आप? 75। माशाल्लाह इनकी 75 एज है। और 21 साल मैंने फौज में गुजारा हूं। अच्छा, वहां से होता पीछे तो आकर फिर ये यहाँ छोटे मोटे ये स्टोरे बना के मैंने बच्चों को बच्चे। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, चार लड़कियां हैं। अंकल से मैंने ये काफ़ी चीज़ें परचेज की हैं। क्या क्या किया जी? ये जैम लिए हैं, ये चेरी जैम है, एप्रिकॉट है, और ये इसका खुबा इसका क्या नाम है, इसका फिग का है। इसके अलावा जो है वो और भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सूखे वो शतूत लिए हैं। दो किस्म के हैं सर, शतूत दो किस्म के, एक काले हैं और एक ये दूसरे हैं जी। हाँ, ये ब्लैक करंट किशमिश है, इसको पानी में मिला के पिए, भिगो के रख दें, बड़ा ज़बरदस्त जूस बनेगा। बाकी अंकल की दुकान है इधर ये साथ ही, ये आगे से लाल शहजादी के साथ ही आएंगे, वो तो फेमस है ना, सारे जानते हैं, तो उसके साथ ही अंकल की दुकान है। बड़े अच्छे बंदे हैं, इनके पास सलाजीत वगैरह भी है ओरिजिनल, लेकिन वो फिर मैं बाद में देखूंगा, अभी कैश वगैरह निकाल लें, ये लेके फिर मैं अंकल से निकलता हूँ। ठीक है अंकल, अगर कोई भी आपके पास आया अच्छा डिस्काउंट करेंगे जरूर। हाँ जी, आप हमारा भाई है, एक तो आप हमारा मेहमान है। हाँ जी, ठीक है, कोई भी यहाँ आता है उम्मीद से यहाँ आता है कि लोग अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हमारे लिए हर चीज का सहूलत मिले, हम जरूर उन हर भाइयों के लिए हम अपनी जान कुर्बान। बहुत मोहब्बत है आपकी, क्योंकि ये रिज़्क आप लोगों से मिलता है। ऐसे ही है, समझिए ना, आप टूरिज्म आकर हमारा हालत तब्दील हो गया। पहले यहाँ ऐसे नहीं था, बहुत गुर्बत था, कटा हुआ आबादी था यहाँ, तो आप लोगों को और टूरिज्म को ऐसा हमारा जो तरक्की होगी, हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा माशरा हालत अच्छा हो रहा है, और हम आपका कदर नहीं करते और किसका करें। ऐसी बात है, चलें, बड़ा अच्छा मिला लगा आपसे मिलके, अल्लाह खैर करे, आपकी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अच्छा जी, ये मैं चाय लेना चाह रहा था, अंकल कहते मेरे पास जबरदस्त है यहाँ की, ये बर्फ के नीचे होता है और ये बिल्कुल खालिस है, सिर्फ पत्ते और फूल है इसके अंदर, ये इसका कावा बनता है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू है, इसकी खुशबू मैं ये बहुत बेहतरीन खुशबू है। और ये सांप को मैं बहुत, इसने भाई ने कहा कि हमारे लिए ये अच्छा वाला कावा दे दो, फिर मैं भाई के लिए ये कावा डाल रहा हूँ, और ये बहुत बेहतरीन कावा है, इसमें कोई डंडे मंडे नहीं है, साफ सुथरा, खाली साफ सुथरा। ये कितने का पैकेट, किलो पे किलो का ये पैकेट है? ये नहीं सर, आधा किलो, आधा किलो का है सर। ये कितने का केजी है वैसे? तकरीबन ये मिलता है सर तकरीबन 2000 का किलो। अच्छा, तो ये सांप के लिए मैंने ये हम दे देंगे इसको 2000 का नहीं दे देंगे, या आधा किलो है, और ये भाई के लिए मैंने 700 का ये जी दे दिया भाई को। ठीक, ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है सर, और मैंने ये सात चेरी भी ले ली है अंकल से, ये ड्राई चेरी से, ये भी अच्छी है। ये सिर्फ एक छोटा सा चम्मच। हाँ बस ये पी रहा हूँ, यही पी रहा हूँ ना। हाँ, ये आपकी रोटी को भी हजम करेगा और आपका फिटनेस भी बरकरार रखेगा, और नजला जुकाम में अगर आप हो गए तो ये इस्तेमाल कर। सही है, ठीक है सर। ठीक, अभी मैंने फिजान को बोला है, फिजान और मैं नहीं करें, हम बाइक मैं चलाऊंगा, क्योंकि बाइक को चलाना बाइक को चलाना नहीं आता, वैसे भी इसको चोट लगी बेचारे को, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। वो रेंट वाली दुकान खुल गई अभी बाइक वाली, लेकिन टाइम ज़्यादा है, आगे नहीं हम ज़्यादा जा सकते। यार ये फिजान मुझे बता रहा है कि वो सामने सरीना होटल बन रहा है, तो इधर जो है काफ़ी रश होगा। ये भी सरागा खान का है ना, ये वो यहाँ पर जनाब बन रहा है, देखिए यहाँ पर जब रेडी हो जाएगा, और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और भी तो पता नहीं अभी कब तक कंप्लीट हो, कितने साल का प्रोजेक्ट है ये? ये बस उम्मीद से तैयार हो चुका है सर, ये नेक्स्ट ईयर चलाएंगे। अच्छा, बड़ी तेज़ी से काम जना चल रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, काम तेज़ी से जा रही है। ये देखे जी सरीना होटल यहाँ पे खुरा जनाब, ये देख बोर्ड भी देख रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ से मिलता सामान, कहाँ से लेके आते हैं? हाँ,
ठीक है जी, मैं दे देता हूँ आपको। हम निकल आगे टूर के लिए। कौन सी बाइक है जी? ये आगे स्टार्ट गर्म करेंगे। अच्छा, हेलमेट छोटा है मुझे, हेलमेट बहुत छोटा है ये। छोटा? हाँ, सिर बड़ा खड़ा। हाथ स्थाने दे दे। ये मेरे पास है, मेरे पास है। कहाँ को? कहाँ को? नहीं पहने, नहीं पहने, जा चल। गरम रहेंगे इसमें आते? गरम है, अच्छे खासे ग्लव्स हैं। ठीक है, ओके जी। ग्लव्स लगा रहे हैं, जान भाई करें मेरे से लेना। ये गरम है, ठीक है जी। लगा रहा कपल? अच्छा जी, यहाँ पे मुझे रोका भी फिजान भाई ने, कह रहे हैं कुछ खास चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। क्या जनाब इधर? यहाँ पे शिखर स्टॉक है, जो पुराने ज़माने के लोगों ने यहाँ पे लिखाई डिजाइनिंग, जो जो आते ना चाइना से माइग्रेट करके लोग जाके जाते कहीं भी जाते थे लोग, तो यहाँ पे स्टे करते थे। जो ये कार देख रहे हैं अंदर से, हाँ जी, पता के अंदर बाजार बना हुआ है, लोग स्टे करते वहाँ पर। लोगों ने उस पुराने ज़माने की डिजाइनिंग बनी हुई है, ऊन की बनी हुई है, घोड़े की बनी, बैठने की जगह बनी हुई है। आप देखें पहाड़ों उस पर निशानियाँ भी हैं। हाँ जी, इसे कहते हैं सीक्रेट रॉक्स, कहते हैं इसको सीक्रेट रॉक्स। हाँ, वाह, इन लिखाई की होती निशानियाँ। यहाँ आके ज्यादा फोनर्स यहाँ देखते हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको पता ही नहीं, उनको पता भी नहीं है इसके बारे में। हाँ, इसलिए जंगला लगाया, आगे नहीं जा सकते। देख रहे जनाब, ये एक सीक्रेट चीज दिखा दी हमें इन्होंने, वो हमारा 125 खड़ा हुआ है। वो इसने नंबर भी लगाया, वो 125 क्यों पता नहीं। फिर हम कैसे बताएंगे उसको कि यार ये टूर की बाइक है? ये वो अब उनको पता होता है, करो मैं हूँ तो। ये मुझे ना तब पता चला, मैं डिप्लोमा जब कर रहा था, वो भी लिखा हुआ था। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था ना, उस टाइम हमें टीचर ने मुझे लाया पैराग्लाइडिंग वाले। हाँ यार, अभी सीख रहे हैं लोग, अभी सीख रहे हैं। वाओ, ये देखे जनाब, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्रैटिंग्स कर रहे हैं। हम निकलते हैं फिर आगे लेता हूँ। हाँ, ग्लेशियर से देखना पहाड़, वो ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ये आते 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 सारा ये जो है ना जम गया, बर्फ बन गई है। ये आगे एक और डेढ़ एक डेढ़ महीने तक सारी बर्फ हो जाएगी, इधर सारी बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। ये चेक कर, मैं दिले तेरे कदमा च रखे। ये पहुंच गए हम पानी दी लगे सुनता, कोई भी नहीं गया था, सिर्फ हम लोग, सिर्फ हम ही हैं। ये जाके इधर पहुंचा सलाम। ओए होए, फाइनली बादशाह सलामत पहुंच गए अपने मुकाम पे। वो देखिए इधर कैसा प्यारा मंजर है, ग्लेशियर जमगे। गर्मी में तो लास्ट सीन होता होगा इधर। हाँ, वो तो है, गर्मी में तो बहुत लास्ट सीन। Thank you.
कुछ फोटो शोटो बनाते हैं, बाकी इधर जाकर देखते हैं कोई चाट अपनी मिलती है नहीं। नहीं यार, सीन असल में ये हुआ है कि हम जो है वो गलत एरिया में आ गए, इन्होंने बंद किया हुआ है, यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वाकई नीचे जाके देखते हैं क्या सीन है। गैर रिसेप्शन दूसरी है, वहाँ पर नीचे चल रहे हैं, नीचे जाते हैं, बोर्ड वगैरह भी खड़ी हुई है, देखते हैं नीचे जाके क्या सीन है। लेट्स सी कि मेरे को वहाँ पर चाय शाय काफ़ी शाफी मिलती है, हमें वो पीते हैं, पिक्चर बनाते हैं थोड़ी, फिर हम जो है जनाब वापसी भी निकलते हैं। ये यहाँ के देखें, ये एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ का यार, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाती हैं आपकी, ये सीन है आपका। बस नीचे चलते हैं देखते हैं। अभी जनाब हम जा रहे हैं नीचे, देखें आपके भाई ने यहाँ पे इस टाइम -7 है और जैकेट उतार के आदम पकड़ी हुई है, क्या बात है, गर्म खुराकें खा दी हुई हैं बाबा जी। यहाँ नीचे जाते हैं, इधर जाके देखते हैं जनाब कि वो किधर है रिसेप्शन इनका, मोबाइल में चार्जिंग पर लगवाना, चार्जिंग ठंड में काफ़ी लो हो जाती है। चलते हैं नीचे देखते हैं, रूम जो कह रहे नीचे, रस्ते में नीचे देखते हैं वो देखते हैं। हमें अभी ऊपर आ गया, पता नहीं क्या सोच के, खैर नज़ारा तो हो गया ना, नज़ारा हो गया भाई हमारा। हैं उस तरफ क्या था, इस तरफ तो देखा ही नहीं हमने क्या था, इधर बग्गी बनी हुई है इधर। अच्छा चाहे वैसे बैठने के लिए रूफ टॉप बनाया उन्होंने, कोई खास नहीं है, बोल्ट वगैरह चल रही यार इधर है ना, बस यार जो आए होते हैं उनको शौक होता है। नीचे जाते हैं अभी देखते हैं। अब ये नीचे रिसेप्शन थी पार्किंग के साथ ही, इधर चेक करते हैं हम स्पा एंड सैलून, पता नहीं क्या क्या बनाया मैंने। अच्छा जी मेन्यू में से हम कुछ भी अगर ऑर्डर करेंगे उसमें आधा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसे मैं फ्रेश बनाना है, मैंने कश्मीरी चाय ऑर्डर की है, तो ये पी के हम जो है चाय शाय पी के निकलेंगे। चाय सही है, चाय मैं बाहर जाके एंजॉय करूँगा। ये का प्लान स्कर्दू आता है, ये हाँ स्कर्दू है ये जी, बाहर का व्यू देख लें आप, इधर बैठ के वो पिंग शिंग लेते हैं। ये हमारा साथ बॉय है, ये बॉय शर्माता बहुत है, कहता मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आती। चाय पी रहे हैं हम साथ जो है वो, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आई 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 ओ, इधर जाएंगे हम क्या जो अलग जमाना हुआ है ना, हाँ हाँ उधर जाते हैं।
अच्छा यहाँ पर देखो जो स्टैचू बनाया हुआ सजदा करते हुए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर लिखा हुआ है और अगर तुम शुक्रगुजार हो और ईमान ले आओ तो खुदा तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। तो देखिए जनाब, अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको क्या करेगा, अजाब देगा। वो तो चाहता है कि मैं आपको और ज़्यादा दूँ, आप मेरा शुक्र अदा करें। यहाँ पर साउंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब था, इसलिए मैंने जो है ये वॉइस रिकॉर्ड करके आपको ये मैसेज कन्वे किया है। और आखिर में सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म। इसे आगे स्टोरी पे शेयर करते हैं।